रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सीओर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पर आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 रात्रि की, कभी आप सबको कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो, कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा से विनती कर जाना जरूर, और फिर वापिस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी ने रात्रि 9:15 के समय का महत्व बताया। अगर हम किसी कारणवश कुबेरेश्वर धाम नहीं जा सकते तो हम एक उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं घर पर करने वाले उस उपाय की विधि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा से। एक बहुत अच्छा समय, रात्रि के 9:15 का एक समय होता है, पहले भी एक बार कथा में कहा है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, आप या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, क्या पड़ा हो, आंवला मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए, उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। एक दिन, दो दिन, तीन दिन करोगे वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त तो हो जाएगा। दिया लगाइए और दिया लगाकर उसका अभिषेक पूजन स्मरण करिए। शिव का स्मरण, कौन से जल से करना है, आंवले के जल से, और अगर मान लो आंवला नहीं हो तो सूखा जो आंवला बाजार में मिल जाता है वो भी डाल सकते हैं, वो भी ना मिले तो आंवले के वृक्ष की पत्ती वो भी उसमें डालकर आप अभिषेक कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, जैसा कि गुरुजी ने बताया, शाम के 9:15 के समय पर करने वाला यह बहुत ही सुंदर उपाय। मित्रों, यह उपाय बहुत ही आसान है, यह उपाय हम मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और अपने घर पर भी कर सकते हैं। वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वार किसी भी दिन यह उपाय किया जा सकता है। अगर हम आंवला एकादशी के दिन इसे करते हैं तो और भी उत्तम माना जाता है। इस उपाय के लिए हमें एक लोटे में जल लेना है और उस जल में हमें आंवला डालना है। आंवला अगर हरा ना मिले तो हम सूखा आंवला भी ले सकते हैं, और अगर सूखा आंवला भी ना मिले तो हम आंवले के पत्ते भी ले सकते हैं। एक पात्र में हमें आंवला या सूखा आंवला
या आंवले के पत्ते डालकर शिव मंदिर में जाना है या अपने घर पर शिवलिंग का अभिषेक करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस उपाय को हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी शिव मंदिर में जाकर ही इस उपाय को करें। हमें इस उपाय के लिए आंवले के जल की ज़रूरत पड़ती है। बस हमें आंवले के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है, वो चाहे आप अपने घर पर करें या किसी शिव मंदिर में जाकर करें। पर इस उपाय के लिए हमें समय का खास ध्यान रखना है। यह उपाय हमें शाम के 9:15 यानी 9:15 ही करना है। इससे पहले या इसके बाद यह उपाय नहीं किया जा सकता। यह उपाय करने से गंभीर बीमारी में भी दवाई लगना प्रारंभ हो जाता है और रोगी व्यक्ति जल्द स्वस्थ हो जाता है। मित्रों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।